हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फोकस न्यूज में। अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के संबंध में पटना विश्वविद्यालय परिसर में पर्चे चिपकाए गए हैं। इनमें तेज प्रताप यादव की तारीफ की गई है, उन्हें सीधा साधा इंसान बताया गया है। पर्चे में तेज प्रताप यादव की शादी की चर्चा करते हुए उनके सास ससुर को लेकर आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं आखिर बात क्या है, उस पर्चे पर क्या लिखा गया है, किस तरह के पर्चे चिपकाई गई है। विदित हो कि तेज प्रताप यादव की शादी आरजेडी नेता व पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ हुई है, लेकिन शादी के 6 महीने के बाद ही तेज प्रताप यादव ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज स्थित भाषा भवन पर चिपकाए गए ऐसे ही पर्चे में तेज प्रताप यादव के बारे में लिखा गया है। सच्ची खबर शीर्षक के साथ तहलका कैचवर्ड के साथ लिखे गए ऐसे पर्चे कैंटीन की दीवार पर भी चिपकाए हुए मिले हैं। पर्चों में तेज प्रताप यादव की तारीफ की गई है। इसमें लिखा गया है कि अपनी शादी के 1 महीने के बाद से ही तेज प्रताप यादव कहने लगे थे कि उनकी शादी केवल छपरा सीट के लिए की गई है, लेकिन सीट के लिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है। जिन दलालों ने शादी कराई उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब जिन लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं वो कौन से लोग हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन आइए आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। तेज प्रताप यादव को सीधा साधा भक्त इंसान बताते हुए पर्चे में लिखा गया है कि जिसे घर में होना चाहिए था वह राज परिवार का बेटा आज भगवान राम की तरह दर दर भटक रहा है। तेज प्रताप यादव की एक नहीं सुनी गई, लेकिन अंततः हमेशा सच की ही जीत होती है। यहाँ तक कि पर्चे में ये भी लिखा गया है कि तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय तथा सास पूर्णिमा राय को लेकर आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई है। अब वो बातें कौन सी है ये तो हमें नहीं पता, बाद में इसका खुलासा जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बगल की घंटी को भी दबा दीजिएगा।